सवाल है, क्या कोई किसी की मृत्यु का कारण होता है? अगर नहीं तो अगर कोई किसी का खून कर देता है तो इसका क्या कारण होता है? क्या कोई किसी की मृत्यु का कारण होता है? नहीं, मृत्यु का कारण होता है, मृत्यु का कारण होता है, कारण बन सकता है, मृत्यु का कारण तो बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है कोई किसी की मृत्यु का कारण। इसके पीछे कोई भी चीज हो सकती है, कोई पुरानी ऐसी बात हो सकती है कि किसी जन्म में कोई ऐसी बात हुई हो। जैसे उदाहरण के लिए बाली का वध, आप पुराने इतिहास में अगर देखें तो रामायण में हम सुनते हैं कि भगवान श्री राम ने छुप कर बाली का वध किया था, राइट? बाली को मारा, उसके पीछे भगवान ने कारण बताया था लॉजिकली कि क्यों उन्होंने मारा, कि जो आपकी पत्नी का हरण करके बैठा हुआ है, अब अपने भाभी को जिन्होंने हरण किया, यानी सुग्रीव की वाइफ को जो जिन्होंने हरण किया, तो वो एक पशु तुल्य कार्य था और पशु को छुप कर मारने में कोई कोई अपराध नहीं है, ऐसा भगवान ने फरमाया। बात ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पशु तुल्य कार्य किया था, इंसान होकर नीचे गिर गया था, तो इसलिए भगवान ने उसे छुप कर मारा। लेकिन फिर भी वो अपराध तो हुआ, वो अपराध तो हुआ। यही बाली जो अगले जन्म में व्याध बनकर आया, शिकारी बनकर आया, तो उसने भगवान श्री कृष्ण पर बाण चलाया, उनके चरणों पर बाण चलाया। वो बैठे हुए थे, पैरों में हीरे की अंगूठी को पहनी हुई थी, तो उसने हीरे की अंगूठी को हिरण की आंख समझकर बाण चलाया और उनकी जो श्री कृष्ण जी की शरीर की मृत्यु का कारण बना। तो कारण बन सकता है, कारण बन सकता है। तो इसके पीछे ये कारण यही है कि कुछ ना कुछ कार्मिक लेना देना भी हो सकता है, कोई नया कर्म भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पिछले कारण से ऐसा हो सकता है, कोई नया कर्म कर दे, किसी के मन पे वैसे जुनून सवार हो तो नया कर्म क्रिएट भी तो होगा ना। नया कर्म क्रिएट होगा तो उसका कभी ना कभी फल भी उसे मिलेगा। आज आपने जानबूझ के, जैसे कुछ लोग आज जीभ के स्वाद के कारण जानवरों को मार के खा जाते हैं, ठीक है, जब इसके पीछे बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन अगर कोई केवल जीभ के स्वाद की वजह से जानवरों को मार रहा है, क्या उसे फल नहीं देना पड़ेगा? डेफिनेटली देना पड़ेगा, डेफिनेटली उसका भी हिसाब किताब सबका होता है। तो उसका, आज आप किसी को मार रहे हैं तो कभी ना कभी तो उसकी जो आत्मा के ऊपर जो नेगेटिविटी चढ़ती है, मतलब क्या है, एक सोल, एक एंटिटी है, एक एनर्जी है, एक एनर्जी के साथ आप जैसा बिहेव करते हैं वो वैसा ही रिपल्सिव बिहेवियर होता है। लॉ ऑफ कर्मा ऐसे ही काम करता है, आप जैसा आज कर रहे हैं उसका रिपल्शन वैसे ही आता है, डेफिनेटली होता है। तो लॉ ऑफ कर्मा से तो कोई छुटा नहीं है, वो अपनी जगह पर है। तो वो पिछले कर्मों के कारण भी हो सकता है, नया कर्म भी आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट? अपने आप को सुधारने का मतलब क्या है कि हम नए कर्म क्रिएट करने से बचें और पुराने कर्मों का हिसाब किताब प्यार से करें। ये है किसी की मृत्यु का कारण, तो कोई, इसका मैंने जवाब दे दिया आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।